गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बुद्ध जयंती के पावन अवसर पर सिविल लाइन स्थित डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में बुद्ध जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि गजेंद्र कुमार पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा मौजूद रहे, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवदत्त भारती जिलाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा किया गया और संचालन गजेंद्र पाल सिंह महामंत्री भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के वक्ता बीपी सिंह बुद्ध प्रिय मंडल अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा मौजूद रहे। सभी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज में धर्म कर्म के नाम पर जो आडंबरवाद फैला हुआ है, वही सब देश के मूल निवासी बहुसंख्यक पिछड़े वर्गों के पिछड़ने का कारण भी बना है। इसीलिए तथागत बुद्ध के समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित तर्क पूरी तरह से कल्याणमयी विचारों को जन जन तक पहुँचाना है। अंत में सभी का आभार प्रकट किया गया। तथागत बुद्ध की 2562वीं जयंती मनाई जा रही है और ये न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के विभिन्न देशों में एक साथ मनाई जाती है। खास बात यह है कि आज इस बुद्ध पूर्णिमा को त्रिविधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। त्रिविधि दिवस का मतलब यह है कि तथागत बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था और उसके उपरांत ज्ञान बौद्ध मतलब बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भी वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था। और कुशीनगर में 483 BC में तथागत बुद्ध का महापद निर्माण हुआ। तो तीनों दिन जो है वैशाख पूर्णिमा के ही थे। इस आधार पर इस महान दिन को त्रिविधि दिवस के रूप में भी मान्यता है।